नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के यूं तो कई सारे शौक के बारे में आपने सुना होगा और उनके खूब चर्चे भी होते हैं। मसलन घुड़सवारी का उनको शौक है। इसके अलावा कोई भी मार्केट में अगर नई गाड़ी आती है तो वो उसको जाकर फट से खरीद लाते हैं और उनका जो गैरेज है वो गाड़ियों से भरा हुआ है। कहा जाता है कि जितने भी महंगे शौक हैं उनको पालना, उनको पूरा करना, ये राजा भैया का अहम प्रायोरिटी होती है, अहम उनका शौक है कि मेरे पास सारी चीजें हो। लेकिन जरा सोचिए, अब उन्होंने एक नया शौक पाला है और शौक क्या है? तीतरों की लड़ाई होते हुए देखने का। दरअसल बेती कोठी में हर साल हर महीने एक ये प्रथा समझ लीजिए, ट्रेडिशन समझ लीजिए कि हर महीने की पहली तारीख में तीतरों की लड़ाई कराई जाती है। जो तीतरों के मालिक होते हैं वो आते हैं, पूरा गांव वहां पर इकट्ठा होता है और वो एक पूरा फंक्शन होता है। ये बताया जाता है कि रघुराज प्रताप जो हैं, यानी कि उर्फ राजा भैया जो हैं, वो भी इन तीतरों की लड़ाई को बहुत लुत्फ लेते हुए देखते हैं। उनकी तस्वीरें काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हाल ही में बेती कोठी में इसी तरह की तीतरों के बीच में लड़ाई कराई गई थी, उसका मज़ा लेते हुए राजा भैया दिखाई दे रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो भी तीतरों की लड़ाई में जो भी जीतता है उसको राजा भैया की तरफ से सम्मानित किया जाता है, उसको गिफ्ट्स दिए जाते हैं, कुछ फाइनेंशियल हेल्प की जाती है। तो ऐसे में ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये राजा भैया के फैंस को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर रही है, क्योंकि देखिए अलग अलग तरह के शौक होते हैं और सियासत में उनका अपना एक अहम ओहदा है। हमेशा सीरियस तौर पर उनको देखा गया है, हमेशा एक गंभीर पर्सनैलिटी के तौर पर उनको जाना जाता है। हालांकि कभी उनसे मुलाकात होती है तो लोग बताते हैं कि वो बहुत जिंदा दिल इंसान है, बहुत खुश मिजाज हैं और बहुत एनर्जेटिकली सबसे मिलते हैं, पॉजिटिव हैं, खुश रखते हैं। और ऐसे में उनका ये नया शौक सामने आना सभी को बहुत उत्साहित कर रहा है। अब आप जरा बताइए, तीतरों की लड़ाई आपने कभी देखी है? और अगर आपने नहीं देखी है तो फिर जो राजा भैया लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं तीतरों की लड़ाई का, इसको लेकर आपका क्या कहना है, ये आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए।